दोस्तों आदाब, पसमंजर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वजात बुखारी और खबर दिखा रहे हैं आपको पुंछ से। पुंछ में जहां पे आज होली का त्यौहार था, लेकिन दूसरी तरफ पुंछ में पीएचई ने आज लोगों के घर तक भी होली पहुंचाई। आप कहेंगे ये कैसे हुआ? जी हां, पुंछ में आज लोगों के घर में जो गंदी पाइपें थी, जो पाइपें टूटी हुई थी, उनके जरिए उनके गंदा पानी उनके घरों तक पहुंचा और लोग परेशान हुए कि आखिर न जाने ये पानी कब से उनके घरों तक पहुंच रहा होगा। लेकिन आज जब कलरफुल ये पानी था और लोगों को दिखा और लोग सख्त परेशान हुए। जी नाज़रीन, आज होली का दिन है और वहीं पुंछ में पानी की जो पाइपलाइन है उसमें भी आज होली जो है पूरे तरीके से लोगों के घरों तक पहुंची है। पुंछ पीएचई किस तरीके से जो काम कर रही है, वो तमाम चीज़ें जो हैं आज होली के दिन नज़र आई इन लोगों को। और ये तो हैरान ही हो गए कि जहां होली का त्यौहार है, वहीं दूसरी तरफ पानी में भी आज होली इनके घरों तक पहुंची। दो हफ्ते से खराब पानी, जिसमें साबुन की खुशबू, बदबू, गंदगी की और रंग किस्म किस्म का पानी आ रहा था। तो हमारे अंडरग्राउंड टैंक भी हैं, ओवरहेड टैंक भी है, जहाँ मोटरों से हम पानी ऊपर चढ़ा देते हैं। पहले एक दो दिन तो समझ नहीं लगी कि ये पानी का क्या मजरा है। फिर हमने देखा कि ये लगातार पानी जो है वो खराब होता जा रहा है। बाथरूम में पानी यूज करो तब भी वही स्मेल आ रही है, बदबू। किचन में यूज करो, स्मेल आ रही है। तो आज अभी पीएचई वालों से हमने रास्ता कायम किया कि अभी नलके आपने खोले हुए हैं? कहने लगे नहीं। फिर हमने कहा ये हमारे मोहल्ले में जो नलके हैं वो चल रहे हैं, लेकिन उनमें पानी तो रंगदार और स्मेल वाला है। एक्शन साहब को फोन लगाया कंधारी साहब ने, उन्होंने फोन किया जेई को, जेई साहब ने आगे एक आदमी को भेजा। जेई साहब ने तो अभी तक आने के यहाँ तकलीफ ही नहीं की, और जेई किसी ने यहाँ नहीं आने। एक उन्होंने वर्कर भेजा था, बदरदीन उनका नाम है, उन्होंने खुद देखा कि पानी की क्या हालत है। उन्होंने जेई साहब को फोन लगाया, भाई आप आके खुद भी देख लो कि क्या हालत है। कितने टाइम से ही है ऐसे? टाइम हमारा 1 घंटा हो गया, एक्सिन साहब से बात किए हुए। ये तकाजा है कि ये राजे के टाइम के पाइपें बिछी हुई हैं, उसके बाद इन पाइपों को ना तो कभी रिप्लेस किया गया, ना उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। अभी देखें कि जो पहले 47 में जब पाइपें बिछाई गई, उस समय सिटी की पॉपुलेशन क्या थी, आज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन उन पुरानी पाइपों को इन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। आगे उन्हीं से कनेक्शन देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। आज पाइपें गली सड़ी पड़ी हैं, उनकी रिप्लेसमेंट कभी नहीं करते। अब हमारी ये हालत हो गई है कि पिछले हफ्ते अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी तो धारी साहब ने साफ करवाया, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, ओवरहेड टैंक वो भी साफ करवाया, आज फिर ये हालत है। फिर हम ये अंडर ग्राउंड भी साफ कराएंगे, ओवरहेड भी साफ कराएंगे, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ से लाएंगे, अवेलेबल ही नहीं है। तो इन ये बीमारियों का हमारे लिए परेशानी। असल बात यह है कि पुंछ में काफ़ी अरसे से पाइपलाइंस चेंज नहीं हुई हैं, क्या पता कागजों में ऐसी पाइपलाइनें चेंज हुई हों, लेकिन रियलिटी में ऐसी लाइनें जो है वो चेंज नहीं हुई, जिसकी वजह से पुंछ के अब जो शहरी हैं उन्हें शहर में जो है वो गंदा पानी पुरानी पाइपों से जो है लगातार उनके घरों तक पहुँच रहा है। लेकिन इसमें जो है एक बहुत ही बड़ा एक्शन लेना होगा, इस तरफ आना होगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ये तमाम तर पहलू हैं कि इतना पैसा जो पुंछ में, खासकर अगर हम पुंछ की बात करें, LIC जो पुंछ में जो एक स्कीम है जिसके तहत पैसा आता रहा, उसके बाद NRDWP की जो स्कीमें हैं उनमें बहुत पैसा पुंछ में आया, वो लगा कहाँ, और इन तमाम चीज़ों पे एक इन्वेस्टिगेशन की भी जहाँ पे ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ ये जो गंदा पानी है इसे भी बंद करने की सख्त ज़रूरत है।